अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साहिबा बुटीक। तो आज मैं इस वीडियो में इस इनर हिजाब की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही। तो मैंने ये बचे हुए फैब्रिक से बनाया, ये मेरा कॉटन फैब्रिक है। अगर आपके पास नहीं है तो 1 मीटर कॉटन फैब्रिक ले लीजिए। और मैंने यहाँ पे विड्थ लिया 11 इंच और लेंथ है मेरा 10.5 इंच। और ऐसे हमें दो पीसेस ले लेना है बिल्कुल सेम लेंथ और विड्थ के। और मैंने यहाँ पे पेपर लिया है जिसकी सेम लेंथ और विड्थ है, 11 इंच और लेंथ है 10.5 इंच। अब हमें क्या करना है, ऊपर में 5.5 इंच पे मार्क करना है दोनों तरफ, लेंथ की तरफ भी और विड्थ की तरफ। और इस तरीके से हमें एक कर्व सा सर्कुलर सा शेप बना लेना है, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से आप एक शेप बना लीजिए पेपर पे और इसको कट कर लीजिए। मैंने फैब्रिक पे नहीं बनाया है ताकि पेपर पे मैं इसे आसानी से शेप के साथ कट कर सकूं, ठीक है। अब ये हमारे जो दोनों फैब्रिक है उस पे आप अपने पेपर को सेट कर लीजिए। तो इस तरीके से हम अपने पेपर को फैब्रिक पे सेट कर लेंगे और पिन के हेल्प से सिक्योर कर लेंगे ताकि कटिंग के वक्त हमारा फैब्रिक या पेपर इधर उधर ना हो। तो पिन से आप इसको सिक्योर कर लीजिए पूरे में और उसके बाद कट कर लीजिए, जो आपका सर्कुलर पोर्शन है उसको कट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फैब्रिक अनइवन हो रहा था तो ये भी मैंने बिल्कुल शेप से, पेपर की शेप से कट कर लिया है। तो ये देखिए हमारा ये कट हो चुका है। तो ये हमारा बिल्कुल पेपर की तरह फैब्रिक भी कट हो गया है। अब हमें क्या करना है, वो जो हमारा सर्कुलर पार्ट है हिजाब का, वहाँ तक हमें ऊपर से लेके नीचे तक हमें स्टिचेस लगा लेना है। तो आप सर्कुलर पार्ट पे स्टिचेस लगा लीजिए। तो ये देखिए मैंने सर्कुलर पार्ट पे स्टिचिंग मेरा हो चुका है। और अब हम इसे क्या करेंगे, नीचे वाले पार्ट पे हम इलास्टिक अटैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच के इलास्टिक ली है। तो आप अपने फैब्रिक को नीचे की तरफ खोल लीजिए और उसके बाद हमें क्या करना, 1/2 इंच का फोल्डिंग कर लेना है क्योंकि हमारी इलास्टिक 1/2 इंच की है। तो आप इसको 1/2 इंच की फोल्डिंग कर लीजिए और फोल्ड करके आप स्टिचेस लगा लीजिए। तो यहाँ पे मेरा स्टिचिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम अपने इलास्टिक को इंसर्ट कर लेंगे, जो हमारा 8 इंच का इलास्टिक है। तो अब आप इसके अंदर इसको इंसर्ट कर लीजिए। अब आप इसको स्ट्रेच कर लीजिए ताकि ये अच्छे से प्लेट्स बन जाए। और उसके बाद इलास्टिक के दोनों एंड को आप स्टिचेस की हेल्प से सिक्योर कर लीजिए ताकि ये निकले ना इलास्टिक। तो दोनों तरफ आप सिलाई लगा लीजिए। तो ये देखिए हमारा लग चुका है, ये इस तरीके से कुछ बनकर कंप्लीट हुआ। अब मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिप ली है और मेरे स्ट्रिप्स की लेंथ है 24 इंच और इसकी विड्थ है 5 इंच। तो अगर आपके पास 48 इंच का एक सलगा पट्टी है तो आप वो भी ले सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, इसके दोनों एंड को स्टिचेस लगा लेना है। तो ये मैंने स्टिचेस लगा लिया है, ये देखिए। और उसके बाद अब हम अपने कैप को ले लेंगे, इनर कैप को ले लेंगे और उसके बाद उसका सेंटर पॉइंट हम ले लेंगे, जो हमारी बीच की सिलाई है ये वाली, उसको हम ले लेंगे। तो हम अपना इनर कैप को सीधे की तरफ लेंगे फेस करते हो और स्ट्रिप को हम उल्टी की तरफ लेंगे और दोनों को कैप सेंटर पॉइंट को मैच करते हो और आप इसे पिन से सिक्योर कर दीजिए, ठीक है। कैप सीधी तरफ होनी चाहिए और स्ट्रिप उल्टी तरफ होनी चाहिए और दोनों के सेंटर पॉइंट को आप बस मैच करके और पिन लगा लीजिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा इलास्टिक वाला एरिया है वहाँ तक हमें दोनों तरफ पे स्टिचेस लगा देना है। तो आप बस ऐसे ही सिंपली अपने स्ट्रिप को इनर हिजाब कैप पे सिक्योर कर लीजिए इलास्टिक वाले एरिया तक। तो ये देखिए मैंने इलास्टिक वाले एरिया पे इसको भी सिक्योर कर लिया है दोनों तरफ।
और ये हमारा पलटने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आपका जो साइड स्ट्रिप है उसे क्या करना है, उल्टी तरफ फोल्ड कर लेना है, ठीक है। और फोल्ड करके आप दोनों तरफ स्टिचेस लगा लीजिए। ये देखिए मैंने उल्टी तरफ इसको फोल्ड कर लिया है और हमें साइड में स्टिचेस लगा लेना है। तो इस तरीके से हमें दूसरी तरफ पे भी स्टिचेस लगा लेना है, ठीक है। बस आप इस स्ट्रिप को फोल्ड करके और आप स्टिचेस लगा लीजिए साइड पे, बिल्कुल इस तरीके से। तो इधर भी हम इसको रिपीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा दोनों तरफ स्टिचेस लग गया है, कंप्लीट हो गया है साइड स्ट्रिप पे। अब हमें क्या करना है, ओपन पोर्शन की तरफ से हमें इसे सीधी तरफ को पलट देना है। कॉर्नर्स को अच्छे तरीके से निकाल लीजिए। तो इस तरीके से हमारा साइड स्ट्रिप भी सिलकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरफ मैंने पलट दिया, अब आप इसको इस तरफ भी पलट दीजिए। तो ये बिल्कुल ईजी टू वेयर है इनर कैप, और बिल्कुल आसानी से ये बन जाता है, और आप बचे हुए फैब्रिक से भी बना सकते हो। तो इसको आप मस्ट ट्राई कीजिए अपने घरों पे, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरी आईडी दी हुई है। अब देखिए जो हमारा ओपन पोर्शन है उसे भी हम डबल फोल्ड करके, बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड करके हम उस पर भी स्टिचेस लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो हमारा ओपन पोर्शन था वो भी हमारा बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरीके से इजी मेथड के साथ हमारा इनर हिजाब कैप बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इसको फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल साहिबा बुटीक को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।